नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको लंग एब्सेस के बारे में बताने जा रहा हूं। लंग एब्सेस क्या होता है, किनको होता है, क्या सिम्टम्स हैं, कैसे ट्रीटमेंट करें, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको भी लंग एब्सेस है तो कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाके मैसेज करें, ठीक है। देखो, लंग एब्सेस ऐसा होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरीके का होता है, पर यह होता क्या है, जैसे कि लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होता है, सैक जो एयर एक्सचेंज करता है, उसमें पस हो जाना, वाइट ब्लड सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये हो जाना, तो पस फिल कैविटी का डेवलप हो जाना, इसको बोलेंगे लंग एब्सेस। अब ये कैसे होता है, एक तो होता है प्राइमरी कॉज, जैसे कि कोई दारू पीता है, कोई अनकॉन्शियस है, कोई राइस ट्यूब पे है, कोई निगल नहीं सकता पार्किंसन की वजह से और राइस ट्यूब पे, गलती से वो कुछ एस्पिरेट कर जाए, या पेशेंट बेहोश है और स्टोमक में जो कंटेंट है, जो आपके पेट का कंटेंट है, उसको एस्पिरेट कर जाए, या उल्टी करते समय एस्पिरेट कर जाए, तो वो जाके क्या करेगा, जो फूड कंटेंट लंग्स में गया वो एब्सेस क्रिएट कर देगा, ठीक है, एब्सेस, लंग एब्सेस हो गया। एक होता है सेकेंडरी कॉज, सेकेंडरी मतलब कोई कैंसर है, ठीक है, या फिर कोई HIV है, या कोई ट्यूमर है लंग्स में, या कोई फॉरेन बॉडी है, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन करेगी, ठीक है, लंग के एयरवे में, तो ऑब्स्ट्रक्शन करेगी तो वहां पे लंग एब्सेस होने का चांस है, जैसे निमोनिया की वजह से हो, तो ये सब सेकेंडरी कॉजेज हो गए, ठीक है, सेकेंडरी कॉजेज हो गए। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको डायग्नोस कैसे करें। देखो, सबसे पहले क्लिनिकल सिम्टम्स और पेशेंट का हिस्ट्री, पेशेंट बोलेगा उसको चेस्ट पेन रहता है, चेस्ट टाइटनेस, भारीपन, खांसी आती है, स्पुटम आता है, बलगम आता है, पस भी आ रहा है, उसमें कई बार खून भी आता है, वेट भी कम हो रहा है, बुखार आ रहा है जो उतर नहीं रहा है, तो इसके लिए आप एक चेस्ट एक्सरे एडवाइस करेंगे पेशेंट को। चेस्ट एक्सरे में दिखेगा एयर फिल्ड कैविटीज दिखेंगी आपको, लंग एब्सेस एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। अब ये एक्सरे से कंफर्म हुआ, उसके बाद और हायर इन्वेस्टिगेशन पे जाना है, कुछ और चीजें रूल आउट करनी है, किस कारण से हुआ है, सीटी स्कैन करा सकते हैं, कोई ट्यूमर से तो नहीं हुआ, कोई कैंसर से तो नहीं हुआ, तो HRCT पे जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ज्यादातर ये लंग एब्सेस इनमें होता है जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, जैसे HIV/AIDS है, या कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, पर वायरल इन्फेक्शन इज नॉट अ कॉज ऑफ लंग एब्सेस, वायरल इन्फेक्शन लंग एब्सेस का कॉज नहीं है, लंग एब्सेस के कारण हो सकते हैं फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, पैरासाइट, ये सब लंग एब्सेस के कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें CBC करा सकते हो, CRP, ESR करा के देख सकते हैं, ताकि देखेंगे कितना इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन कितना है, सीवियरिटी ऑफ डिजीज क्या है, लीवर, किडनी, CBC वगैरह, ये सब आपको करने हैं, फंक्शन असेस करना है। अब इसमें ट्रीटमेंट कैसे करें, देखो, ऑलवेज ट्रीट द कॉज, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, कारण को ट्रीट करो, स्पुटम कल्चर करा सकते हो, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से भी लंग एब्सेस हो सकता है, तो हमेशा कारण को ट्रीट करेंगे। बाकी लंग एब्सेस में अगर जैसे हम बोले कि भाई ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, दैट इज क्लिंडामाइसिन, खुद से नहीं लेना है, डॉक्टर्स की सलाह से लेना है, क्योंकि ये जानलेवा बीमारी है, इसमें आपकी जान भी जा सकती है, हमें बताऊंगा कैसे जा सकती है और कैसे आप इससे बचेंगे, ठीक है। तो हमेशा एक्सपर्ट गाइडेंस लें, एक्सपर्ट ओपिनियन लें, खुद से कोई एक्सपेरिमेंट, कोई एंटीबायोटिक ना लें, या फिर क्लिंडामाइसिन रेजिस्टेंट है तो पेनिसिलिन ड्रग विथ मेट्रोनिडाजोल, सिफेलोस्पोरिन विथ मेट्रोनिडाजोल आप ले सकते हैं इसमें, है ना, और हायर एंटीबायोटिक्स पे जा सकते हैं, सूडोमोनल इन्फेक्शन वगैरह है तो, ठीक है, ये हो गया इसका ट्रीटमेंट का गाइडलाइन। अब बात करें कि भाई एंटीबायोटिक फेल हो गया, नहीं हो रहा ट्रीटमेंट, तो चेस्ट ट्यूब ड्रेन डाल सकते हैं, तो उस ड्रेन से पस आता रहेगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा ट्रीटमेंट, तो बहुत रेयर केसेस में लोबेक्टोमी करना पड़ता है, उस लंग के रीजन को निकालना पड़ता है, दैट इज लोबेक्टोमी, ठीक है। अब अगर जैसे ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, या कुछ भी गलत ट्रीटमेंट ले रहे हो, खुद से सेल्फ मेडिकेशन भी कर लेते हैं भारत में, तो उससे क्या होगा कि ये जो लंग का एब्सेस है, ये हो सकता है और ऑर्गन्स को चला जाए, किडनी में स्प्रेड हो जाए, तो किडनी खराब हो जाएगा, और आपके ब्रेन में चला जाए, ठीक है, इन्फेक्शन यही सेम बैक्टीरिया का, तो ब्रेन एब्सेस हो जाएगा। तो इस इन्फेक्शन को लाइट ना लें, तुरंत इलाज कराएं, तुरंत डॉक्टर से मिलें, ठीक है, और इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत सीवियर होते हैं,
तो कॉम्प्लिकेशन से बचें। अब इसका ट्रीटमेंट कितने दिन चलेगा, कब मैं ठीक होऊंगा? देखो ट्रीटमेंट ज्यादातर किसी का एक महीना भी चल सकता है, किसी का दो महीना भी चल सकता है, किसी का तीन महीना चार महीना भी चल सकता है। एंटीबायोटिक्स महंगा आता है, इसमें ट्रीटमेंट थोड़ा सा महंगा होता है, और इसमें चेस्ट का फिजियोथेरेपी करा सकते हैं, ठीक है, और नेबुलाइजेशन हो सकता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलेगा, डाइट एक अच्छा रोल प्ले करेगा, ठीक है, डाइट लाइफ मॉडिफिकेशन आपको ठीक होने में हेल्प करेगा। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी हेल्दी रहने में, रिकवर होने में, एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मेडिकेशन, ठीक है। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लें। गुड बाय, धन्यवाद, नमस्कार।